इसका प्राइस दिया हुआ है 5,799 रुपये। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एलईडी मॉनिटर है। दोस्तों आप लोग मुझे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा कंप्यूटर बताइए जो हमारे बजट में भी आ जाए और काफ़ी अच्छा भी हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा भी है। दोस्तों कंप्यूटर परचेज करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, जो भी कंप्यूटर में आप काम करते हैं आपको अपने काम के अकॉर्डिंग ही एक नया कंप्यूटर परचेज करना चाहिए, ताकि आपका जो भी काम है आप अपने कंप्यूटर में कर सकें। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कंप्यूटर हर टाइप का मिलता है, सस्ता भी होता है और महंगा भी होता है। मान लीजिए सस्ते के चक्कर में आपने एक नया कंप्यूटर परचेज कर लिया और जो भी आप काम करते हैं अगर आप उस कंप्यूटर में नहीं कर पाए तो खरीदने से कोई फायदा नहीं है। तो सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो कंप्यूटर मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपका कोई भी ऑफिशियल काम है, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सभी पे काम करना है, इंटरनेट से कोई भी काम करना है, आप सारे काम इस कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना हो आप सारे काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फोटोशॉप, कोलड्रा, इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड इन सभी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर पे भी आप इस कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर अगर आप एक यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एडिटिंग का भी सॉफ्टवेयर आप इस कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, जैसे फिल्मोरा, एडोब प्रीमियम या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर आपका एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है तो गेमिंग के लिए एक अलग से नया पीसी क्रिएट करना पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि सबसे सस्ता और अच्छा गेमिंग पीसी कौन सा होता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक नया कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्या क्या परचेज करना है। तो देखिए एक नया कंप्यूटर परचेज करने के लिए आप यहाँ पे जितने भी पार्ट देख रहे हैं इन सभी को आप परचेज करके एक नया कंप्यूटर आप खुद से असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों असेंबल कैसे करते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इन सभी पार्ट को परचेज करके एक नया कंप्यूटर खुद से असेंबल कर सकते हैं। दोस्तों जिस कंप्यूटर की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप इसी कॉन्फिगरेशन में कहीं से भी कंप्यूटर परचेज करेंगे तो आपको 22,000 से 23,000 रुपये का पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसी कंप्यूटर को सिर्फ 15,000 से 16,000 में बना सकते हैं, वो भी खुद से। तो चलिए मैं आपको सभी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं इसका मॉडल नंबर है H55। मदरबोर्ड में हमें CPU फैन और रैम लगाना होता है। दोस्तों ये सारे पार्ट तो अलग अलग होते हैं लेकिन आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। यह एक मदरबोर्ड का कंप्लीट किट है जिसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर 2.93 GHz का, रैम आपका दिया हुआ है 4GB DDR3 और CPU फैन इसके साथ में बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इसका जो प्राइस है 5,984 रुपये। अगर आप इसी चीज को अलग अलग परचेज करेंगे कम से कम आपको 7,000 से 8,000 रुपये का पड़ेगा। दोस्तों i3 का जो प्रोसेसर आप देख रहे हैं ये आपका है 3rd जनरेशन, इसमें 4MB कैश मेमोरी दिया हुआ है। तो इसे परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक CPU क्रिएट करने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं वो सभी चीजें हमारी हार्ड डिस्क में ही सेव होती है। मार्केट में आपको हर कंपनी का हार्ड डिस्क मिल जाएगा, तो Seagate कंपनी का हार्ड डिस्क सबसे अच्छा होता है और मैं आपके लिए लाया हूँ 1TB का हार्ड डिस्क जिसका साइज है 3.5 इंच का। ये एक SATA हार्ड डिस्क है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है 7200 राउंड पर मिनट है और इसमें जो कैश मेमोरी दिया हुआ है 64MB। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए ये जो हार्ड डिस्क है काफ़ी अच्छा है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इसका जो रेट है 3,099 रुपये, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पे क्लिक करके इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो एक CPU बनाने के लिए इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कैबिनेट की। एक कंप्यूटर के जो भी पार्ट परचेज करते हैं वो हमें लगाना पड़ता है कैबिनेट में। और दोस्तों कैबिनेट के साथ में आपको SMPS भी मिल जाएगा जिसका मॉडल नंबर है 95B। इसका रेट क्या है तो देखिए दोस्तों इसे आप 1,598 रुपये में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन में कैबिनेट का रेट तो काफ़ी महंगा है, अगर आपको कहीं से ऑफलाइन मिल जाता है तो आप ऑफलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ती है कीबोर्ड की। दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक मल्टीमीडिया USB कीबोर्ड, इसमें आपको दिया हुआ है 114 कीज और ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। इसका जो प्राइस है आपका 296 रुपये। आपको इस वाले कीबोर्ड में काम करने में काफी मजा आने वाला है। इसकी जो की है दोस्तों काफी सॉफ्ट होती है, इसमें टाइपिंग करने में भी आपको काफी मजा आने वाला है। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है माउस की। ये जो माउस आप देख रहे हैं ये एक USB ऑप्टिकल माउस है
जिसमें आपको 3 बटन आपको मिलते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बीच में दिया हुआ है स्क्रॉलिंग का। और ये एक वायर माउस है दोस्तों, जो एक कंप्यूटर पर काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इसका जो प्राइस है मात्र 180 रुपये, देखने में काफ़ी अच्छा है और जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको काम करने में भी काफ़ी मजा आएगा। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको परचेज करना होता है पावर केबल। पूरा एक सीपीयू बनाने के बाद उसे स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पावर केबल की। दोस्तों ये पावर केबल काफ़ी बड़ा है, इसका साइज है आपका 1.5 मीटर। इसे आप सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर किसी भी कंप्यूटर में आप लगा सकते हैं, जिसमें आपका 3 पावर पिन दिया हुआ है। और दोस्तों इसका जो प्राइस है सिर्फ 299 रुपये। जब इसे आप परचेज करेंगे तो आपको इसे मिलेगा 2 पीस, एक आपको लगाना है सीपीयू में और एक मॉनिटर में। इसके बाद आपको लेना है एलईडी मॉनिटर। दोस्तों आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया एलईडी मॉनिटर लेके आया हूँ, जिसका साइज है 18.5 इंची। दोस्तों एक नॉर्मल एलईडी मॉनिटर का जो साइज होता है 14 इंची, तो ये जो मॉनिटर है आपका 18.5 इंची का, ये काफ़ी बड़ा भी है और आप इस पर जो भी काम करेंगे आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। दोस्तों ये जो एलईडी मॉनिटर है अभी का बिल्कुल लेटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सपोर्टिंग में दिया हुआ है HDMI। आप इसमें HDMI केबल भी लगा सकते हैं और साथ में VGA भी दिया हुआ है। रिसोल्यूशन है 1366 और 768। ग्रोस पैनल है और स्लिम डिजाइन में बना हुआ है। और दोस्तों इसकी जो बनावट है वॉल माउंटेन ब्लैक में। इसका प्राइस दिया हुआ है 5799 रुपये। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एलईडी मॉनिटर है। आप इसमें जो भी काम करेंगे आपको काम करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों एक कंप्यूटर बनाने के लिए इन सभी पार्ट को आप अलग अलग परचेज करेंगे तो परचेज करने में आपको 20 से 22 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इस पर क्लिक करके परचेज करते हैं तो आपको मात्र सिर्फ 15 से 16 हज़ार में एक नया कंप्यूटर बना सकते हैं i3 का। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।